वेलकम टू उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल एंड उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने बना लिया है आलू शिमला मिर्च की नॉर्थ इंडियन स्टाइल सब्जी। तो ये सब्जी खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं, बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी भी होता है। तो चलिए चटपट देख लेते हैं कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल के आलू शिमला मिर्च की सब्जी हम कितनी आसानी से बना सकते हैं। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू उपासना मैजिक मोमेंट चैनल। और उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में मैं उपासना फूड ब्लॉगर आज आप लोगों के सामने लेके आ गई एक सब्जी का रेसिपी। और ये सब्जी ऐसा एक रेसिपी है जो वेज में बहुत फेमस है, ऐसा कोई नहीं है जो वेज में ये वाला रेसिपी पसंद नहीं करता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी। और ये आलू और शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी बहुत ही अच्छा बनता है। इसको आप थोड़ा सा झोल रख के बनाएं या सूखा बनाएं, दोनों ही अच्छा लगता है। राइस पराठा रोटी सबके साथ अच्छा रहता है और बहुत हेल्दी है। तो चलिए देख लेते हैं आज हम आलू और शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी कितनी आसानी से बना सकते हैं। आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए पहले हमें चाहिए आलू। देखिए इधर मैंने आलू को बड़ा बड़ा टुकड़ा करके डाइस कर लिया है और इधर मैंने ले लिया है दो बड़ा साइज का शिमला मिर्च एकदम ग्रीन। देखिए इसको मैंने डाइस कर लिया है। इसके बिना हमें चाहिए एक मसाला की पेस्ट। तो ये वाला जो मसाला है इसको हम कच्चा नहीं यूज़ करेंगे। इधर मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज का ऑनियन, दो मीडियम साइज का टमाटर, एक इंच अदरक स्लाइसेस, थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ। ये सारे मसालों को हम पहले फ्राई करेंगे, उसके बाद ठंडा करके इसका एक मसाला बनाएंगे जिस मसाला के अंदर हम आलू और शिमला मिर्च को पकाएंगे। इसके बिना भी हमको चाहिए तेल, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और थोड़ा सा बटर या घी, कुछ भी आप डाल सकते हैं। तो देर किस बात की, चलिए शुरू कर देते हैं आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी। और मेरा रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो देखिए आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए जैसे मैंने पहले ही बोला हम इसके अंदर पहले मसाला को फ्राई करेंगे, इसलिए हम देखिए इसके अंदर डाल दिया थोड़ा सा ऑयल। आलू शिमला मिर्च की मसालेदार सब्जी में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि एक वेज रेसिपी है। देखिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं और अब हम तेल को गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसके अंदर एक एक करके होल स्पाइसेस को पकाएंगे। देखिए हमारा ऑयल गर्म हो रहा है, जैसे ये वाला में एकदम सारा मसाला एकदम अच्छे से पीस जाएगा। तो अभी मैंने डाल दिया उसके अंदर जीरा और उसके साथ ही हम इसके अंदर डाल डालेंगे थोड़ा सा साबुत मसाला और उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला, जैसे दालचीनी, इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं चाहिए। जैसे नरम हो जाए और कुक हो जाए, आप चाहे तो पूरा कच्चा मसाला को पीस के भी बना सकते हैं। कुकिंग इज ऑलवेज अ एक्सपेरिमेंट एंड वेरिएशन, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, पर ऐसा करने से ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारे मसाला एक साथ फ्राई हो जाता है। इसको फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा हाई कर देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं ढक्कन, अच्छे से इसको कुक होने दें। उसके बाद हम इसको ठंडा करके मसाला बनाएंगे और आलू और शिमला मिर्च को पकाएंगे। देखिए इधर हमारा ये मसाला पेस्ट फ्राई हो रहा है और थोड़ा सा फ्राई होना है जैसे अदरक है। अभी मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ थोड़ा सा पुदीने की पत्ती। जब ये पुदीने की पत्ती मसाला के साथ कुक होगा तब बहुत ही अच्छा ये फ्लेवर लाएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही कुक कर लेते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा बाल को हटा देते हैं। तो देखिए ऐसे ही हम पुदीने की पत्ते भी इसके अंदर डाल लिया, एक साथ कुक हो रहा है। अब चलिए इसको ढक्कन दे देते हैं और उसके साथ इसको 5 मिनट तक पका लेते हैं। देखिए इधर हमारा जो वेजिस है वो ऑलमोस्ट नरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी
एक एक करके मसाला, सारे मसाले अगर अभी हम यूज कर ले तो बाद में यूज नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम पहले यूज करेंगे थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, एक दो बड़ा टीस्पून हल्दी डालेंगे, रेड चिली का पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे दो टीस्पून जीरा का पाउडर, छोटा दो टीस्पून डालेंगे, हाफ टीस्पून जैसे गरम मसाला पाउडर डालेंगे, दो छोटा टीस्पून धनिया पाउडर और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला क्योंकि एक टैंगी स्वाद आता है इससे अच्छा लगता है, और डालेंगे एक टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, उसके साथ ही डालेंगे ड्राई रोस्ट लहसुन। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। कट कर लेंगे। तो चलिए इसको एक दो मिनट पका लेते हैं। तो देखिए हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब मैं इंडक्शन को ऑफ कर दूंगी और मसाला को एक अलग पॉट में निकाल लूंगी और ठंडा करके मसाला को पीस लूंगी। इसके बाद आलू और कैप्सिकम को एक साथ हम फ्राई करेंगे। देखिए मसाला को मैंने दूसरा वाला एक पॉट में ले लिया है। अब मैं इसके अंदर सेम पॉट यूज़ करूँगी, डाल दूँगी थोड़ा सा ऑयल, और ऑयल डालने के बाद ऑयल को हम गरम होने देंगे। देखिए ऑयल अच्छे से गरम हो गया है, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। अब मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी आलू। आलू को मैंने थोड़ा सा धो लिया है। पहले हम आलू को ही डालेंगे और आलू को ही अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि ये आलू थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा, इसलिए हम आलू को पहले पकाएंगे। शिमला मिर्च थोड़ा सा बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि शिमला मिर्च अगर गल जाए तो खाने में बहुत खराब लगता है। तो पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, और आलू को फ्राई करने के लिए हमें 5 से 7 मिनट तक लगेगा। तो चलिए आलू को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। देखिए इधर हमारा आलू पक चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। देखिए शिमला मिर्च को भी हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। अगर हम शिमला मिर्च को फ्राई ना करें तो हमारा टेस्ट खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आलू और शिमला मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, उसके बाद हम इसको अलग कर लेंगे दूसरा वाला पॉट में। उसके बाद हम मसाला को फ्राई करेंगे। एकदम मसाला फ्राई होने के बाद हम आलू और शिमला मिर्च को ऐड करेंगे। चलिए आलू और शिमला मिर्च को एक साथ पका लेते हैं 1-2 मिनट तक, उसके बाद लौट के आते हैं। देखिए इधर हमारा शिमला मिर्च भी बहुत अच्छे से पक चुका है। शिमला मिर्च को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसमें फ्राइंग इफेक्ट लाना है, जैसे शिमला मिर्च का जो फ्लेवर है ऑयल के अंदर चले जाए, और थोड़ा सा पकाना होगा। शिमला मिर्च अगर ज़्यादा गल जाए तो टेस्ट एकदम ख़राब हो जाता है। तो चलिए इसको ढक्कन देकर और 5 मिनट पकाते हैं, उसके बाद मसाला तैयार करते हैं। देखिए हमारा आलू और शिमला मिर्च अच्छे से पक चुका है। अब हम इसको डिस्कार्ड कर लेंगे, उसके बाद इसके अंदर मसाला डालेंगे। देखिए हमने आलू और शिमला मिर्च को एक दूसरा वाला पॉट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाला पकाएंगे। तो मसाला पकाने के लिए पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा ड्राई कसूरी मेथी डालेंगे, जो मसाला भूनते बाद बहुत ही अच्छा एक इफेक्ट लाएगा। कसूरी मेथी को हमने डाल दिया। अभी हम इसके अंदर एकदम टेम्परेचर को कम कर दिया है। इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये वाला मसाला का पेस्ट। मसाला का कलर देखिए कितना अच्छा हुआ है। पूरा मसाला हम एक साथ डाल देंगे, ठीक है, और डालने के साथ ही हम इसको एक बार चला लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। मसाला को धो लिया है मैंने और थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड कर दिया। थोड़ा सा शुगर, क्योंकि बिना शुगर के कुछ भी खाना में टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो ऐसे हम
दे देंगे, इसको पका लेते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा फ्रेश घी सब कुछ ऐड करेंगे, पहले इसको पका लेते हैं। देखिए हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से भून रहा है, आप टेम्परेचर को एकदम कम कर देते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर यूज़ करते हैं थोड़ा सा बटर, तो हम बटर को इसके अंदर यूज़ करेंगे, जैसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए, बटरी फ्लेवर। और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास स्पून नहीं है, इसलिए मैं एक चाकू की मदद से बटर डाल रही हूँ। तो बटर डाल दिया मैंने, इसके बाद हम इसके अंदर बटर को मिला लेंगे। टेम्परेचर को थोड़ा सा कम ही रखेंगे, क्योंकि अब टाइम हो गया है इसके अंदर आलू और शिमला मिर्च को ऐड करना। तो मसाला पक चुका है, अब चाहिए इसके अंदर आलू और शिमला मिर्च को ऐड कर देते हैं। बहुत ही गर्म है, आलू और शिमला मिर्च दोनों को मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसको धीमी आंच में इस मसाला के अंदर पकाना है धीरे धीरे, जैसे शिमला मिर्च ज़्यादा ना गले और मसाला अच्छे से पक जाए। फिर से कवर लगा देते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। देखिए इधर हमारा आलू और शिमला मिर्च का सब्जी कितनी अच्छे से बन चुकी है। अब हम इसको एक बार स्टर लगाएंगे, इसको एक बार चला लेंगे। मैं थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी भी रखा है, क्योंकि आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी में ग्रेवी अच्छा लगता है। अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ एक फ्रेश क्रीम। एक फ्रेश क्रीम डालने के साथ साथ इसकी सब्ज़ी का टेस्ट ही अच्छा नहीं होता है, उसके साथ साथ ना सब्ज़ी का कलर भी बहुत बढ़िया आता है। तो फ्रेश क्रीम मैंने डाल दिया, ये वाला नॉर्थ इंडियन की सब्ज़ी में ना तो फ्रेश क्रीम ऐड करना बहुत ही ज़रूरी है। इतना अच्छा स्मेल आ रहा है सब्ज़ी से, आपको क्या बोलूँ, चिकन छोड़ के ये वाला सब्ज़ी है। चक्की बेलन में पीस लिया है, तो देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। और इसको ढक्कन देके और 5 मिनट पकाएंगे, इसके बाद आपको सर्विंग दिखाएंगे। तो देखिए इधर हमारा आलू शिमला मिर्च का सब्जी एकदम बनके तैयार है, अब चलिए सर्विंग दिखाते हैं। तो देखिए इधर हमारा आलू शिमला मिर्च की सब्जी कितनी अच्छे से तैयार हो गया है, और ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल पंजाबी स्टाइल सब्जी बहुत ही अच्छा लगेगा। आप रोटी के साथ, पराठा के साथ, चपाती के साथ, राइस के साथ भी इसको खा सकते हैं। और देखिए कितना लाजवाब दिखने में हुई है। तो देर किस बात की, आप भी इस सब्जी को घर पे बनाएं, घर वालों को बना के खिलाएं। मेरा रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो उपासना की मैजिक वूमन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय।